सिंगरौली में लगातार दूसरी घटना में एक पति द्वारा पत्नी की गला दबाकर हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पति का किसी दूसरी महिला से प्रेम संबंध था, जिसके चलते पति ने प्रेमिका के लिए पत्नी की हत्या कर दी। सिंगरौली से लगातार ये दूसरी घटना सामने आई है। मामला विंध्यनगर थाने के अंतर्गत का है, जहां आरोपी पति के अवैध संबंध की जानकारी जब पत्नी को लगी तो उसने इसका विरोध किया, जिस पर पति ने प्रेमिका के लिए पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और फरार हो गया। आरोपी उपेंद्र पटेल अमीलिया का रहने वाला है, जो जयंत लक्ष्मी मार्केट में किराए के मकान में रहता था। थाना प्रभारी राघवेंद्र द्विवेदी ने आरोपी उपेंद्र को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। ये जयंत में लक्ष्मी मार्केट में उपेंद्र पटेल अपने पत्नी के साथ वहाँ रहते थे और पत्नी आरती पटेल थी। उपेंद्र पहले BGR कंपनी में नौकरी करता था, वहाँ चला गया था। इसके बाद करीब 1:30 बजे रात लौट के आया, तो दिन में जी 1:30 बजे वो घर में अचानक उसका पत्नी का इसका विवाद हो गया किसी बात को लेकर के, पति पत्नी दोनों लोग, पति पत्नी का कोई एक प्रेमिका थी, उसके कारण वो पत्नी और इसका विवाद होता था जी। उस विवाद के कारण ये अचानक गुस्से में आकर के लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया दोनों का। अरे उसके ऊपर चारपाई में इसको पटक के और उसके मुंह और नाक के ऊपर तकिया लगा करके उसकी हत्या कर दिया था। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।